स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आपको वैदिक मैथमेटिक्स, और इसमें आपको एक मैजिकल ट्रिक बताई जाएगी। देखिए, इसमें हम ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं जिनका बेस 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या फिर हम 110 ले लें या 100 ले लें, 120 बेस ले लें या 130 बेस ले लें, कोई सा भी आप बेस लेंगे। तो ध्यान दें, ये 19 है, इसका बेस जो होगा वो होगा बी 20। ये भी 18 है, इसका बेस भी क्या है हमारे पास 20। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 90 माइनस 20 हम करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 01। ऐसे ही 18 माइनस 20 करेंगे तो हमें मिलेगा 02। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो हमें क्या मिलेगा 2। अब हमें करना क्या है, देखिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बेस 20 था तो हमने 2 किया सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे, 19 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें या 18 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 17। बस हो गया आंसर। देखिए क्या आंसर है, 17 इंटू 2 34 एंड लास्ट में 2। सो आवर आंसर विल बी 17 इंटू 2 34 और लास्ट में 2। सो हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इन दोनों का बेस जो है वो 30 है, ठीक है। तो 29 माइनस 30 करेंगे तो हमें 01 मिलेगा, 28 माइनस 30 करेंगे तो हमें 02 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 1 इंटू 2 किया हमने, 2 मिला, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब 29 माइनस 2 करें या 28 माइनस 1 करें तो 27, इसका आधार 30 है, बेस 30 है, तो 3 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा 27, और लास्ट में हम 2 लिख देंगे तो ये हो गया हमारा। तो लेट्स सी व्हाट विल बी अवर आंसर। 2 लिखेंगे लास्ट में, देन 3 इंटू 27, तो 7 3 या 21 का 1, और फिर 2 है हमारे पास, 3 2 या 6, 6 प्लस 2 8। सो देखिए स्टूडेंट्स, कितनी आसानी से ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। हम एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसका बेस हमारे पास स्टूडेंट्स दोनों नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 में 40 है, तो 41 माइनस 40 करेंगे तो हमें 01 मिलेगा, 42 माइनस 40 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, देन 2 इंटू 1 क्या होता है बच्चों 2। चलिए अब इसका बेस है 4 तो हम 4 लिखेंगे। अब 41 प्लस 2 करिए या 42 प्लस 1 करिए, हमें मिलेगा 43। चलिए हो गया, देखिए आंसर। सबसे पहले आंसर में हमें क्या लिखना है 2, ये वाला, ठीक है। अब इसको 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 2 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17। सो देखिए कितना आसान था। अब हम 69 इंटू 67 करेंगे, इनका बेस क्या है हमारे पास 70 है, ध्यान दें क्योंकि 70 के क्लोजर है इसलिए बेस 70 है, अगर ये 61 62 होता तो बेस 60 लेते हैं हम। तो चलिए देखिए 69 माइनस 70 करेंगे तो हम माइनस 01 मिलेगा, 67 माइनस 70 करेंगे तो माइनस 03, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आया 3। अब 69 माइनस 3 करिए या 67 माइनस 1 करिए तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा 66। और ध्यान दें इसका बेस क्या है, इंटू 7 करना है हमें, सबसे पहले 3 लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 6 42, और कैरी फॉरवर्ड 7 6 42 प्लस 4 46। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन जो है इन दोनों का वो है 4 6 2 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर देखते हैं बहुत ही जल्दी। बेस बताइए 80 होगा तो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस 02, 79 माइनस करेंगे तो ये हुआ आपका 1, मल्टीप्लिकेशन दोनों का 2, बेस 8 है, 78 माइनस 1 कर दिया तो 77। देखिए आंसर में सबसे पहले हमने लिखा 2, देन 87 जा 56 और 5 कैरी फॉरवर्ड तो ये 61, तो 6162 इसका आंसर हुआ। स्टूडेंट आई होप यू लाइक ऑल दीज कॉन्सेप्ट, यू आर वेटिंग फॉर अवर द न्यू मैथड्स टेक्निक्स, सो थैंक यू वेरी मच, लाइक माई वीडियो, डेफिनेटली राइट द कमेंट्स इफ़ यू वॉन्ट इट इन अ मोर इजियर वे, समझाने का तरीका सही है या और अच्छे तरीके से आपको चाहिए, और काइंडली शेयर करिए इसे जितना ज़्यादा शेयर